हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लीविंग द रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि हमें ऐसे नंबर को फाइंड करना है जो 445 में डिवाइड लगाया जाए उस नंबर से, तो 4 रिमाइंडर में आए, ठीक है ना, रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ओके, जब उसी नंबर से 572 में डिवाइड लगाया जाए तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, एंड जब हम उसी नंबर से 699 में डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि इसमें डिवाइड लगा रहे हैं तो ये नंबर आना चाहिए, और इसमें डिवाइड लगाएंगे उस नंबर का तो ये रिमाइंडर आना चाहिए, और 699 में डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। इस नंबर में, जिस सीक्वेंस में आपके नंबर हैं उसी सीक्वेंस में उनके रिमाइंडर्स हैं, तो रेस्पेक्टिवली हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लीविंग द रिमाइंडर 4, 5 एंड 6। वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब एचसीएफ किसके फाइंड करेंगे, तो हमें 445 पहला नंबर है, इसका रिमाइंडर 4 आ रहा था हमारे पास, तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास नंबर है 441 हो गया, और इसमें डिवाइड लगा रहे थे उस नंबर से तो रिमाइंडर 5 आ रहा था, तो रिमाइंडर को पहले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 567 हो जाएगा। अब 699 में से रिमाइंडर 6 आ रहा था, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, 693 हो जाएगा। अब इनका हमें एचसीएफ लेना है स्टूडेंट्स, तो 441 और 567 का हम एचसीएफ लेंगे, तो 441 से डिवाइड लगाएंगे हम तो हमारे पास स्टूडेंट्स, जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा कि वन टाइम इसमें डिवाइड जाएगा, ठीक है ना, और वन टाइम डिवाइड जाने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 126 होगा, 126 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 441 में, यहाँ नोट करके, तो 3 टाइम्स इसका डिवाइड जाएगा, 63 रिमाइंडर में आएगा। अब 63 का डिवाइड हम 126 में लगाएंगे, वी विल गेट 2 एज अ क्वेश्चन। सो द एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567, 567 एंड 441 का एचसीएफ हमारे पास 63 आया, और 63 और लास्ट नंबर हमारे पास रह गया था, एक नंबर लास्ट वाला था 693, इसमें अभी और 63 का भी हम एचसीएफ लेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 63 एंड 693, इसका हम डिवाइड लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारे पास 11 होगा, तो सो द एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693 इज इक्वल टू 63, यानी इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है 441 एंड 567 और 693 का एचसीएफ जो है 63 आया। तो 63 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। जब हम 63, वो बड़े से बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लीविंग द रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। यदि हम 63 से 445 में डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आएगा, इसका डिवाइड 63 का डिवाइड 572 में लगाएंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 63 का डिवाइड 699 में लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आएगा। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर था वो 63 था। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8। There are 4 bells which toll at intervals of 3, 7, 13, 12 and 14. ये 12 है स्टूडेंट्स, तो जो बेल्स हैं वो इतने इंटरवल्स पर, पहली बेल जो है हर 3 सेकंड बाद टोल हो जाती है, मीन्स बज जाती है, और सेकंड बेल जो है हर 7 मिनट बाद टोल होती है यानी बजती है, और थर्ड बेल जो है 12 सेकंड बाद, जिसमें सभी सेकंड हैं तो 12 सेकंड बाद टोल हो जाती है, और फोर्थ बेल जो है हर 14 सेकंड बाद जो है टोल हो जाती है, मीन्स बज जाती है। द फोर बेल्स बिगिन टू टोल एट 12 o'clock, यानी कि अभी 12 बजे हैं तो 12 o'clock हुआ है, तो वो एक साथ अभी टोल हुई हैं, एक साथ बजी हैं, तो वेन विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, वो पूछा जा रहा है कि अगली बार वो कब जो है एक साथ फिर टोल होंगी, मिस बजेंगी, एंड हाउ ऑफन दे डू सो इन 14 मिनट्स, और वो 14 मिनट्स में ऐसा कितनी बार होगा,
तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ता है, तो टेक आ एलसीएम ऑफ 3, 7, 12 एंड 14, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे एलसीएम के थ्रू, तो हमारे पास जो एलसीएम होगा 84 सेकेंड। चेंज द सेकेंड इनटू मिनट, वी विल डिवाइड 84 बाई 60, यानी कि 60 से हम डिवाइड करेंगे 84 को, तो रिमाइंडर में हमारे पास 24 होगा और क्वेशेंट में 1 होगा, तो 1 को हम जो है मिनट सपोज कर लेंगे और ये रिमाइंडर में जो है वो सेकंड आ गया, तो ये हमारे पास 1 मिनट 24 सेकंड में आपके पास वो टोल हो जाएंगी, एक मिनट 24 सेकंड बाद वो बजेंगी। जैसे कि आपको बताया गया था कि 12 o'clock हमारे पास वो एक साथ बजी थी, तो 12 hour minute and second लिख लिया हमने, तो हमने 12 o'clock में 12 hour हो गया, मिनट जीरो थी, सेकंड भी जीरो थी, और 1 मिनट 24 सेकंड बाद वो टोल हो रही है, तो हम इसको टाइम को ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा 12 o'clock में, यानी 12 1 minute and 24 seconds, यानी कि 12:01:24 पर वो दोबारा एक साथ फिर बजेंगे। दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर एट 12 hour 1 minute and 1 second, 24 सेकेंड, यहाँ 24 सेकेंड आएगा, ठीक है ना। नाउ इन द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में पूछ रहा था कि वो 14 मिनट में वो कितनी बार ऐसा होगा, तो 14 मिनट को हम पहले चेंज करेंगे सेकेंड में, 80 वो 60 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 840 सेकेंड, ओके। अब दे विल टोल टुगेदर इन 14 मिनट्स, तो ये हमारे पास जो टाइम है वो 840 सेकेंड है, और हमारे पास जो बज रही थी वो एक साथ 84 सेकेंड बाद दोबारा टोल हो रही थी, एक साथ टोल हो रही थी, तो 84 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 टाइम्स हमारे पास 14 मिनट्स में वो 10 टाइम्स एक साथ टोल हो जाएंगी, यानी बच जाएंगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉय सेव्स ₹4.65 daily, जैसे कि आज आप उस बॉय ने 4.65 उसने सेव किया है, यानी 4.65 rupees सेव किए पर डे वो सेव करता है वो, ठीक है ना, डेली। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच ही विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़, यानी कि वो जैसे हमारे पास इसमें पैसे भी हैं, तो पैसे नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ही रुपीज़ का ही नंबर होना चाहिए, पैसे नहीं होने चाहिए, तो ये बताना है कि ऐसे कितने दिन में वो जो है हमारे पास अपने पास जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज बताने हैं हमें, कि जिससे कि वो एग्जैक्ट रुपीज़ में सेव करें। तो ऐसी कंडीशन में हम ये रुपीज़ 4.65 rupees जो दिया है इसे कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.65 rupees हो जाएगा, और रुपी यानी कि कन्वर्ट करना है हमें 1 rupee को भी, 1 rupee हम क्यों ले रहे हैं, क्यों एग्जैक्ट पैसे में एग्जैक्ट रुपीज़ में ही आना चाहिए, तो 1 rupee को भी हम कायम एक्सचेंज करेंगे 100 में, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बस यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 number दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर नहीं होगा तो हम एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट रुपीज़ पूछ रहा है, तो वो 1 rupee को हम एग्जैक्ट रुपी मानते हैं, तो 1 rupee को पैसे में चेंज कर लिया, अब ये भी पैसे में चेंज हो गया, 1 rupee भी पैसे में चेंज हो गया, अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, टेका एलसीएम ऑफ 465 एंड 100, तो एलसीएम 100 और 465 का एलसीएम लेंगे वी विल गेट 9300 पैसे, यानी ये आपके पास ये एलसीएम हो गया 465 पैसे और 100 पैसे का। नाउ द नंबर ऑफ एग्जैक्ट डेज, तो 9600 जो है उसमें डिवाइड लगाएंगे 465 से, तो यू विल गेट 20, तो 20 डेज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो है रुपीज़ वो कलेक्ट कर लेगा, ओके। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रैफिक लाइट, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different रोड क्रॉसिंग्स चेंजेस आफ्टर एवरी 50 सेकेंड, 75 सेकेंड एंड 100 सेकेंड, यानी कि पहली जो लाइट है तो वो 50 सेकेंड में चेंज हो रही है, दूसरी वाली लाइट 75 सेकेंड में चेंज हो रही है, और थर्ड वाली लाइट 100 सेकेंड में चेंज हो रही है, तो रेस्पेक्टिवली 3 lights हैं, तो उनका मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, इफ़ द दे स्टार्ट चेंजिंग सिमिटेनियसली एट 8 AM, यदि वो सुबह 8 बजे चेंज हुई हों एक साथ, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन सिमिटेनियसली, यानी कि एक साथ वो कब दोबारा एक साथ वो फिर ग्लो करेंगी, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोग ये जो टाइम दिया हुआ है
इनका हम एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 300 सेकंड, यानी कि वो 300 सेकंड बाद वो दोबारा ग्लो करेंगे एक साथ। जैसे 8 o'clock अभी है, उसने ग्लो किए तीनों ने एक साथ, तो वो कितनी देर बाद ग्लो करेंगी, तो 300 सेकंड बाद। चेंज सेकंड इनटू मिनट, सेकंड को हम काय में चेंज करेंगे, मिनट में, बाय डिवाइडिंग द 300 बाई 60 से डिवाइड करके 300 को वी विल गेट 5 मिनट्स। सो द ट्रैफिक लाइट जो है विल चेंज सिमिटेनियसली आफ्टर 5 मिनट्स, यानी कि वो 8 बजे हैं तो 8:05 पर दोबारा वो ग्लो होंगी एक साथ। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 एंड 25। और इसमें एक बात और पूछी गई है कि ईच केस में जो नंबर का प्रोडक्ट वो एलसीएम के इक्वल है क्या नहीं है, जो लास्ट में हम लास्ट वाले क्वेश्चन में इसके लास्ट पार्ट में इसको शो करेंगे हम, ठीक है ना। तो 12 एंड 25 का हम एलसीएम लेते हैं तो वी विल गेट 300, ठीक है ना। तो इन सभी का जो एलसीएम आएगा, प्राइम फैक्ट नंबर्स यहाँ नोट करने हैं, तो इनका सब एलसीएम आएगा 300, ठीक है ना। अब ये देखना है कि एलसीएम जो 300 है वो इक्वल है कि नहीं प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दो ही तो नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 300। तो इसका जो एलसीएम है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि यहाँ जो एलसीएम है वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी है, ठीक है। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 9 एंड 16 का जो एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स, हम बाई डिवाइडिंग मेथड से उसका एलसीएम लेंगे, वी विल गेट 144। अब यहाँ पे भी हमें इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर पता करना है, प्रोडक्ट जो हमेशा इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा नहीं कह सकते हम कि जो नंबर है ना, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है, जैसे यहाँ पर जो दोनों नंबर हैं वो को प्राइम है, इनका एच सी एफ बन है, इसलिए ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर का एलसीएम जो है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमेशा। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 9 एंड 16 इज इक्वल टू 144, तो इसके एलसीएम के इक्वल हो गया। सेम स्टूडेंट्स, इसके सी पार्ट में भी 7 एंड 8 जो है को प्राइम है, इनका भी प्रोडक्ट जो है एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। जैसे हमें इनके प्राइम फैक्टर्स हमने पता करें, इनका प्रोडक्ट पता करा तो 56 आया और नंबर का प्रोडक्ट भी 56 हुआ। इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 12 एंड 7 में एलसीएम ऑफ 12 एंड 7 दोनों ही को प्राइम है, क्योंकि इनका एलसीएम 1 आएगा और इनका एलसीएम जो है 84 है। तो 84 एलसीएम है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वी विल गेट 84। दिस इज इक्वल टू द एलसीएम, यानी एलसीएम के इक्वल है। यस, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन ईच केस, यानी कि हर फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व करें, हर कंडीशन में हमें जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम के इक्वल हमें मिला है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड एलसीएम 6 एंड 18। जब हमारे पास इसमें एक और बात पूछी गई है स्टूडेंट्स कि एलसीएम जो है बिगर नंबर के इक्वल है कि नहीं हर केस में, तो ये 2 नंबर्स हैं, तो इसमें से बिगर नंबर 18 है। यदि ये एलसीएम बनता है, कैसे मालूम करते हैं कि छोटे नंबर के जो हम टेबल रीड करेंगे तो उसमें ये नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये छोटा नंबर जो है वो इसका फैक्टर होना चाहिए 18 का, तो 18 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो यानी 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वी विल गेट 18। तो यानी हमें देखना है कि ग्रेटर नंबर जो है एलसीएम बनना है कि नहीं बनना है, तो ग्रेटर नंबर ही इसमें एलसीएम बना है। ऐसी सेम कंडीशन इसमें निकालेंगे, वी विल गेट द डिवाइडिंग द 5 एंड 45, वी विल गेट 45 एज ए एलसीएम। अब एलसीएम में यह देखना है कि 45 ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर ही एलसीएम में बनना है कि नहीं बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि जो स्मॉलर नंबर का जो हम टेबल रीड कर रहे हैं तो इसमें 45 आ रहा है, तो इट मीन्स 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 45, सो इट ग्रेटर नंबर इज द इज अ एलसीएम, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में सेम इसमें भी वो करना है, तो ग्रेटर नंबर 96 एंड 12 का हम प्राइम फैक्टर करके एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 96 आएगा, तो ग्रेटर नंबर ही एलसीएम बनेगा ऐसी कंडीशन में। ऐसे लास्ट क्वेश्चन में भी इसमें स्टूडेंट्स हमें वही करना है सेम,
कि ग्रेटर नंबर एलसीएम है कि नहीं है, तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 63 आएगा। जब हमारे पास छोटे नंबर का डिवाइड जब हम लगाएं इसमें तो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब 7 से 63 कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ग्रेटर नंबर जो है वही एलसीएम बनता है। यस द एलसीएम इज़ इक्वल टू द बिगर नंबर इन ईच केस। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।